दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को छात्रवृत्ति में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे सभी डॉक्यूमेंट के बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। यदि आप उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2021-22 का लाभ लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेना है। छात्रवृत्ति लेने के लिए ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यदि इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स यदि आप नहीं बनवाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी से आप लोगों का वो निरस्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बढ़ करके तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट चाहिए पॉलिटेक्निक में स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए, तो वो चाहिए आप लोगों का बैंक का पासबुक, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास बैंक का अपना अपना पासबुक होगा, सभी स्टूडेंट के पास अपना अपना अलग अलग जगह का खाता होता है। तो कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि सर हमें तो कॉलेज लखनऊ मिला हुआ है लेकिन हमारे पास गोरखपुर का खाता है। तो पहले दोस्तों इस तरीके से हुआ करता था कि कॉलेज के माध्यम से खाता खुल जाता था, लेकिन वो कॉलेज के माध्यम से खाता अभी भी खुल जाता है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अब ऐसा नहीं होता कि यदि आपके पास यदि कॉलेज के थ्रू यदि आप खाता नहीं खुलवाते हैं तो आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। इससे पहले यदि आपने कहीं भी छात्रवृत्ति का लाभ लिया होगा, इससे पहले हाई स्कूल या इंटर में कहीं भी आपने यदि छात्रवृत्ति का लाभ लिया होगा तो निश्चित तौर पर आपको बता दें कि उसी बैंक अकाउंट में आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। यदि आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड सही है तो पॉलिटेक्निक में भी आप वही देंगे तो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन कॉलेज के तरफ से खाता यदि खुलता है तो बेहतर रहेगा आप लोग यदि खुलवा लेते हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका बात आता है आधार कार्ड का। तो सब लोग कहेंगे कि सर हमारे पास तो ऑलरेडी आधार कार्ड है, सभी लोगों के पास आधार कार्ड रहता है। तो आधार कार्ड है वो सही है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक होते हैं, जैसे पिताजी के नाम में मिस्टेक हो गया या फिर माताजी के नाम में मिस्टेक हो गया, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गया। तो आधार कार्ड के अपडेट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आधार कार्ड का अपडेट आप लोग करवा लीजिएगा, ठीक है। आधार कार्ड यदि अपडेटेड रहेगा, मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा, तब जा करके सारी चीज़ें ओके रहेंगी, तो जा करके आप लोगों का छात्रवृत्ति आ जाएगा, ठीक है। और हाल ही में आपने जितने रुपए फीस की रसीद आपने जमा की है, ठीक है, 10,370 वगैरह के आसपास रसीद आपने जमा की है, तो वो फीस की रसीद आप लोगों के पास रहनी अनिवार्य है, ठीक है। वो फीस की रसीद यदि आपके पास नहीं रहती है तो आप निश्चित तौर पे छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। उसके पश्चात आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों तीनों जो होता है दोस्तों ना, तो ये आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बात इसको ध्यान रखना है, 3 साल से यदि ज़्यादा पुराना है तो वो चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कि अगर आप लोगों के पास इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट है जो कि पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर उसको आप लोग को एक बार अपडेट करवाना पड़ेगा और न्यू बनवाना पड़ेगा, ठीक है, रिन्यूअल करवा लेना पड़ेगा। यदि रिन्यूअल करवा लेते हैं आप तो वो चीज़ें जो है छात्रवृत्ति में काम आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके लगते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं क्या लगता है, जैसे कि आप लोग नॉर्मली भी जानते हो कि खाता खुलवाने के लिए कहीं भी आप लोगों को वोटर आईडी कार्ड, एक मतलब एक पहचान पत्र होना जरूरी है। पहचान पत्र के आधार पर आप लोग जो है वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, राशन कार्ड इत्यादि ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यदि आपके पास है तब तो सही है, यदि आपका खाता नहीं भी खुला है तो किसी भी बैंक में जाकर के आप अपना ये सारा डॉक्यूमेंट दे करके खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो एक स्टूडेंट आईडी प्रूफ मिलता है आप लोगों को तमाम राजकीय तथा अर्ध सरकारी प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों की तरफ से मिलता है आप लोगों का स्टूडेंट आईडी प्रूफ। उसमें आप लोगों का नाम रहता है, कॉलेज वगैरह का नाम रहता है, आप किस सेक्शन में पढ़ते हैं रहता है, डिपार्टमेंट वगैरह सब चीज़ दिया रहता है स्टूडेंट आईडी प्रूफ में, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी प्रूफ यदि आपके पास है तो ही जाकर के खाता खुलवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके बाद बता दें कि मार्कशीट, इसके पिछले आपने जो भी एजुकेशन में शिक्षा प्राप्त की है उसमें हाई स्कूल में कितना परसेंटेज है, आपका इंटर में कितना परसेंटेज है, बिल्कुल वो उस हिसाब से रहना चाहिए जो आपके मार्कशीट के हिसाब से है। सारी डाटा जो है मैच करना चाहिए, यदि कोई डाटा आपका मैच नहीं करता है तो निश्चित तौर पर उस कंडीशन में क्या होगा कि आप लोग छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो भी ओरिजिनल, जो भी आप लोग अपना फील कीजिएगा वो बिल्कुल सारी चीज़ें आपकी ओरिजिनल फील होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल रहेगा आपका तभी जा करके सारा काम हो पाएगा आप लोगों का, ठीक है। और उसके पश्चात जो है आप लोगों को समय समय पर अपना स्टेटस चेक करते रहना है कि कहीं फॉर्म आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी से
रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, यदि रिजेक्ट होता है तो कौन से कारण से रिजेक्ट होता है, सभी बातों की जानकारी आप लोगों के लेनी जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।